Hello friends, welcome to KVS Technofun. Today in the advanced impress, we will learn about the grouping and ungrouping of objects. Grouping basically group se aapka kya matlab hota hai? When you have more than one object in a single group. अब अगर हम अपनी slides की बात करते हैं, हम digital form की बात करते हैं, तो यहाँ पर groups in the group you can say the grouping of the files, the grouping of the folders or the images or the shapes etc. So when we talk about the slide presentation in Impress, so इस case में हमारे पास जो different kind of objects होते हैं, just like the audio, video, your images, shapes, इन सब को ऑब्जेक्ट्स को आप एक साथ ग्रुप कर सकते हैं. हम देखेंगे कि कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ मेकिंग द ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल ग्रुप. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देयर आर फोर पिक्चर्स इन माय स्लाइड. सो अगर हम इन पिक्चर्स के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, लाइक द मूविंग, रोटेशन, रीसाइजिंग, सो इफ वी वॉन्ट टू रीसाइज दीज फोर पिक्चर्स, तो हमें उनको वन बाय वन सिलेक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट to increase the size of this picture and also to increase the size of this picture, agar mujhe in dono pictures ka size increase karna hai, then first I select this and yahan se main isko drag karke I can resize it or rotate it or move it. Same way mein fir aap isse select karenge and then you will do the same thing. So in this way it means ki jitne bhi objects aapke paas hote hain, agar aapko unke upar kuch bhi apply karna hai, you have to select them one by one and then repeat each and every action. तो इसी चीज को सिंपलर वे में करने के लिए वी हैव द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कितना अच्छा होता कि अगर हम इन चारों पिक्चर्स को एक साथ सेलेक्ट करके और एक साथ ही हम इसको रिसाइज कर सकते, रोटेट कर सकते या मूव कर सकते. सो दैट्स द पर्पस ऑफ ग्रुपिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुपिंग करने के लिए वी नीड टू सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स जिसे आप एक ग्रुप में रखना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेयर वी हैव फोर पिक्चर्स. सो अब हम इन फोर पिक्चर्स को एक साथ सिलेक्ट करेंगे. अगर हम किसी भी एक पिक पे क्लिक करते हैं, सो एट दैट मोमेंट दैट पर्टिकुलर पिक्चर गेट सिलेक्टेड. अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, इसे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी. अब हम चाहते हैं कि वी वॉन्ट टू सेलेक्ट ऑल द फोर पिक्चर्स साइमल्टेनियसली. आप यहाँ पिक्स ले सकते हैं, आप यहाँ कोई और ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, शेप ले सकते हैं, यहाँ से कोई शेप को यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं. फाइन. सो फॉर दिस मोमेंट वी विल वर्क विद दीज फोर पिक्चर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स लर्न हाउ टू सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स और द मोर देन वन ऑब्जेक्ट. जरूरी नहीं है कि जितने चाहते हैं आप उतने ही करेंगे, या जितने ऑब्जेक्ट्स आपके सामने हैं आपको सबको ही सिलेक्ट करना है. आप ये आपकी चॉइस है. टू मेक द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू हैव टू सिलेक्ट द मोर देन वन थिंग, दैट्स इट. एक से ज्यादा चीजें जब भी सिलेक्ट करेंगे वो एक ग्रुप का काम करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू सिलेक्ट द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वी नीड आइदर प्रेस कंट्रोल ए. अभी देखिए, for this moment only this picture is selected. Fine, I am pressing control A from my keypad. Control A. So आप देख सकते हैं the corners of the selection handle. ये आपके जो corners हैं, these corners covered all the four pictures. Now these all four pictures are selected at once. ये चारों pictures एक साथ selected हैं आपकी. I have pressed control A. अगर आप कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो ये फिर से unselect हो जाएंगी और ये फिर से एक divided फोर पिक्चर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी. सो वन मेथड इज टू प्रेस द कंट्रोल ए. अनदर मेथड इज गो टू एडिट. एडिट में आपके पास होता है सेलेक्ट ऑल एंड यू कैन सी द शॉर्टकट इज कंट्रोल ए. तो आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. और वन मोर मेथड इज देयर, सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, दिस वन आई हैव सिलेक्टेड ऑन दिस. होल्ड द शिफ्ट की फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड प्रेस ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट, then press on the third object and then press on the fourth object. आपने एक चीज ध्यान दिया, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते जाते हैं उसका जो एरिया है सिलेक्शन हैंडल्स का वो इंक्रीज होता जाता है. एक बार फिर से करते हैं. I have selected the first object. अभी देखिए आपके सिलेक्शन हैंडल्स यहाँ है. As I have hold the shift key of my keyboard, shift key को मैंने प्रेस किया हुआ है इस पर, and now I am clicking on this picture. ये देखिए, अब आपके सिलेक्शन हैंडल इन दोनों पिक्चर्स को कवर किए हुए. नाउ क्लिक ऑन दिस. नाउ सिलेक्शन हैंडल ने आपके इन तीनों पिक्चर्स को कवर किया है. कवरेज में आपकी फोर्थ पिक्चर आ रही है, बट फोर्थ पिक्चर इज स्टिल नॉट द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. और जब हम इस पे क्लिक करेंगे, नाउ दीज फोर पिक्चर्स आर कलेक्टिवली सिलेक्टेड. सो यू हैव थ्री ऑप्शंस, आइदर प्रेस कंट्रोल ए और गो टू एडिट एंड सिलेक्ट ऑल, और होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन. सो अब देखिए, अगर हम इसको मूव या रोटेट करने की कोशिश करते हैं, सो इट विल
be done in a single click. For example, I'm placing my cursor on there and hold the mouse and see, I am trying to moving the object. अब क्योंकि आपने चारों को एक साथ सिलेक्ट किया हुआ था, सो दीज फोर आर मूविंग टूगेदर. सी दिस इज द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स एट वंस. सी दिस, अब जहां उसको सिलेक्ट करके रख देंगे वो वहीं जाएगा. नाउ प्लेस द माउस कर्सर एट द सिलेक्शन हैंडल एंड ट्राई. बाय मिस्टेक आई हैव क्लिक्ड ऑन आउटसाइड द कवरेज एरिया, दैट्स व्हाई द सिलेक्शन गेट अनसिलेक्टेड. अगर एक भी बार आपका जो क्लिक है वो आपके सिलेक्शन से बाहर हो जाता है तो आपका जो सिलेक्शन है चारों ऑब्जेक्ट्स का वो आपका फिनिश हो जाता है. तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ सिलेक्टिंग. इसी वजह से जब हम रिसाइज रोटेट करने की कोशिश करते हैं और हम सिर्फ सिलेक्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, तो उसमें हमें ये बेनिफिट नहीं मिलता है कि हम बार बार उसको क्लिक करें और अनक्लिक करें. आई मेंट टू से कि मैंने ये सिलेक्ट किया एंड देन दिस वन. अब अगर हम इस पर कुछ भी अप्लाई करेंगे तो वो एक साथ अप्लाई होगा. बट अगर कहीं पर भी मान लीजिए कि अब हम इसको थर्ड जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन था प्रीवियस टू ऑब्जेक्ट्स का वो फिनिश हो जाएगा. सो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए वी हैव टू मेक द ग्रुप ऑफ दीज इमेजेस. वंस यू क्रिएटेड द ग्रुप, तो जब तक आप उसे खुद अनग्रुप नहीं कर देते, दोज ऑब्जेक्ट्स विल रिमेन इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, तब तक वो यही रहेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू मेक द ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. सो टू मेक द ग्रुप, फर्स्ट स्टेप आपका यही है टू सिलेक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट जिसको भी आप अपने ग्रुप में डालना चाहते हैं. सो फर्स्टली आई हैव क्लिक्ड कंट्रोल ए, सो हमारी चारों पिक्चर सिलेक्ट हो गई. नाउ आइदर क्लिक राइट क्लिक फ्रॉम योर माउस. राइट क्लिक जैसे ही आप करते हैं अपने जो सिलेक्ट आपने किए हैं जितने भी ऑब्जेक्ट, उसके बीच में रखे आपको सिलेक्ट करना है. सो यू विल गेट द ग्रुप. द शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी. जैसे ही मैं उस ग्रुप पे क्लिक करती हूँ, नाउ आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, पहले जब हमने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया था द सिलेक्शन हैंडल्स वर ब्लू, नाउ द सिलेक्शन हैंडल्स आर लाइक द, जैसे कि आप एक नॉर्मल जो कोई भी पिक होती है जब आप उसको क्लिक करते हैं तो उस तरीके से जो सिलेक्शन हैंडल उस टाइम उसमें आते हैं वही सेम आपके पास यहाँ पर भी है. ठीक है, नाउ अब आप यहाँ कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करिए. देखिए मैं इसे मूव कर रही हूँ, मैंने इसको रिसाइज करके सबको एक साथ छोटा कर दिया, सबको एक साथ हमने इसका जो हाइट था उसे इंक्रीज कर दिया. ठीक है, नाउ इफ आई क्लिक आउटसाइड ऑफ दिस सिलेक्शन, कहीं बाहर हमने अपनी स्लाइड पे क्लिक किया है एंड अगेन क्लिक ऑन इट, सो आर ग्रुपिंग रिमेन सेम. हमारी जो ग्रुपिंग है वो एग्जिस्ट करती है. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ग्रुपिंग. अब जब तक आप इसको खुद से अनग्रुप नहीं करेंगे तब तक आपके ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो ग्रुप में रहेंगे. नाउ टू अनग्रुप इट, आप ये ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग जो है वो आप फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर, यहाँ पर भी आपको ग्रुप एंड अनग्रुप ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक करिए एंड क्लिक ऑन द अनग्रुप. नाउ अब आप अपने सिलेक्शन पर वापस आ गए जहाँ आपने अपनी सारी जो पिक्चर्स थी उनको आपने सिलेक्ट किया. सो दिस वाज द एडवांटेज ऑफ ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग. जरूरी नहीं है जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सबका करें. फॉर एग्जाम्पल दिस वन एंड दिस वन, आई हैव सिलेक्टेड दीज टू, राइट क्लिक एंड ग्रुप. नाउ द ग्रुप इज ऑफ दीज टू इमेजेस ओनली. ये आपकी जो इमेजेस हैं वो सेपरेट है. अब अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, इसको मूव करते हैं, तो सिर्फ इन दो पिक्चर्स का ही आपका जो ग्रुपिंग है वो रहेगा. सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ग्रुपिंग इज टू अप्लाई द ऑपरेशन साइमल्टेनियसली ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एक पिक्चर या एक इमेज के साथ आप उसे मूव करते हैं, रिसाइज करते हैं, रोटेट करते हैं, तो बहुत बार आपको अपनी प्रेजेंटेशन में या अपनी स्लाइड्स में जरूरत पड़ती है जब आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप उन्हें सेलेक्ट करते हैं, एक साथ छोटा बड़ा करते हैं, उनकी सेटिंग करने की कोशिश करते हैं. सो इट्स वेरी हैक्टिक कि आप हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग सेलेक्ट करें एंड उसके बाद आप उस पर अप्लाई करें. सो यू कैन यूज अ ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग. इस वक्त हमारा ये ग्रुप बना हुआ है. अगर हम इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स से आई हैव क्लिक्ड दिस एंड दिस, नाउ आई हैव सेलेक्टेड दीज टू पिक्चर्स, आप फॉर्मेट में क्लिक कीजिए एंड नाउ द ग्रुप ऑप्शन इज एक्टिवेटेड. अगर आपने प्रीवियसली ध्यान दिया होगा तो अगर आपने ग्रुपिंग ऑलरेडी की हुई है तो आपका ग्रुप ऑप्शन जो है वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा और अनग्रुप जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. और अगर आपने ग्रुपिंग नहीं की है देन ग्रुप एक्टिवेट रहेगा और अनग्रुपिंग जो है वो आपका डीएक्टिवेट रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू द एक्शन यू आर गोइंग टू डू, आपके ये ऑप्शंस एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं. सो दिस वाज द ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ एडवांस इंप्रेस, दैट्स द टेबल्स. इफ यू रिमेंबर वी हैड ऑलरेडी वर्कड इन द टेबल्स इन राइटर इन वेरी डिटेल. टेबल्स के ऊपर जो भी ऑपरेशंस आपने राइटर में अप्लाई किए हैं वो सारे के सारे ऑपरेशंस आप यहाँ इम्प्रेस में भी अप्लाई कर सकते हैं.
लेट स्टार्ट विद अ न्यू स्लाइड. यहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं. सॉरी. जब आप अपने स्लाइड्स में, फॉर एग्जांपल जब आप स्लाइड्स लेते हैं तो आपके स्लाइड्स के डिफरेंट डिफरेंट आपके फॉर्मेट्स भी होते हैं, स्लाइड लेआउट्स. ठीक है कि उसमें आप क्या क्या लेना चाहते हैं, आप चार्ट लेना चाहते हैं, आप टेबल्स लेना चाहते हैं, लाइक दिस. तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ, लेट्स से ये हमारे पास एक स्लाइड लेआउट है जिसमें हमारे पास फोर बॉक्सेस हैं. वन इज फॉर टाइटल एंड अदर बॉक्सेस आर फॉर टेक्स्ट. सो जब हम इनपे क्लिक करते हैं और आप इस तरीके से कोई भी कंटेंट वाला स्लाइड लेते हैं, सो यू एबल टू सी दीज फोर आइकन्स इन ईच एंड एवरी बॉक्स. फर्स्ट वन इज टेबल, चार्ट, इमेज एंड ऑडियो और वीडियो. जो ऑडियो और वीडियो हमने भी इंसर्ट किया था, आपने इसे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं. आप पिक्स इमेजेस को यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं. अगर हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं, सो यू विल गेट अ डायलॉग बॉक्स जहां से आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं आप उन्हें लिखेंगे. लेट्स से 5 and 5 एंड ओके. सो एक टेबल जो है उस बॉक्स की जगह पर आपका इंसर्ट हो जाएगा. सो टेबल्स में आप इम्प्रेस में बिल्कुल उसी सेम वे में वर्क करते हैं जैसे आप राइटर में कर रहे हैं. सेम उसी वे में हम किसी भी पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं. हम इसमें क्लिक करके कोई भी डाटा इसमें लिख सकते हैं. लेट्स हेडिंग्स 1, 2, 3, 4, 5. आप किसी भी पर्टिकुलर सेल को क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टेबल प्रॉपर्टीज आप मर्ज कर सकते हैं. इंसर्ट, अगर आप इंसर्ट करेंगे तो आप रो कहाँ इंसर्ट करें, ऊपर, अबव और बिलो. आप कॉलम को बिफोर और आफ्टर इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस. सो ऑल द ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन द टेबल इज एग्जैक्टली सेम एज यू हैव ऑलरेडी डन इन राइटर. आप यहां से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स सेल्स को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, आप इन्हें मर्ज कर देंगे तो आपका मर्ज हो जाएगा. उसके बाद इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये स्प्लिट का ऑप्शन आपको देगा, आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है ना. सो दिस दीज आर द ऑपरेशंस ऑन द टेबल्स एंड दिस वाज अबाउट द एडवांस इम्प्रेस कंटेंट जो आपने अभी रीड किए हैं. सो नाउ यू आर रेडी टू मेक अ ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन. गो एंड ट्राई इट. थैंक यू सो मच.